नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। योग गुरु बाबा रामदेव का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, कभी भूमि कानून उल्लंघन तो कभी दिव्य फार्मेसी की दवाओं को लेकर रामदेव विवादों में घिरे रहे हैं। लेकिन इस बार बाबा रामदेव पर एक नया विवाद लगा है, वो है पतंजलि ट्रक एसोसिएशन के सदस्य दलजीत सिंह की मौत को लेकर। आज वंदे मातरम पर हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और हमारे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड आईजी सीपाल सिंह, इसके अलावा नेता कांग्रेस है हमारे साथ सुरेंद्र कुमार देहरादून स्टूडियो से, वहीं नेता बीजेपी है उमेश अग्रवाल, वो भी देहरादून स्टूडियो से ही हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे मुख्य संवाददाता संदीप इस वक्त मौजूद हैं मृतक दलजीत सिंह के गांव में, उनके परिजनों से भी वो हमारी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में बुधवार को स्थानीय ट्रक यूनियन और बाबा के निजी गार्ड्स के बीच जमकर पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दो युवक गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रांसपोर्टर और फूड पार्क कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प। झड़प के दौरान ट्रक ड्राइवर दलजीत सिंह की पीट पीट कर हत्या। रामदेव की पतंजलि फूड पार्क के भीतर हत्या। बाबा रामदेव के भाई राम भरत पर हमला के लिए उकसाने का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला बाबा के पतंजलि फूड पार्क में हुई हिंसक झड़प का है। पथरी थाना इलाके में हुआ बवाल एक दो दिन पुराना, बल्कि ये विवाद यूनियन और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के बीच पिछले एक साल से चल रहा था। बुधवार को यूनियन के लोगों ने बाहर से आने वाले ट्रकों को रोकना शुरू किया तो मामला पुलिस के पास जा पहुँचा। ट्रक यूनियन के लोगों को थाने बुलाया गया। आरोप है कि इसी दौरान रामदेव के निजी सुरक्षा गार्ड ने यूनियन के ट्रकों और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने इसका विरोध किया तो गार्ड ने लोगों पर पहले पथराव और धारदार हथियारों से हमला कर दिया और उसके बाद कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें दलजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रामदेव के गार्ड ने उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया। ट्रक यूनियन अब फूड पार्क को यहां से हटाने की मांग कर रहा है। ऐसा जी, एक महीने से विवाद चल रहा था, बाहर की गाड़ियों को माल दे रहा था, हमें नहीं दे रहा था। हमारी वार्ता आजकल कल प्रशासन से बात हुई, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, रोज हमारे को आजकल टाइम लेते रहे। आज सुबह जब कल से हमने गाड़ियां रोकनी बाहर की शुरू करी तो इन्होंने हमें पुलिस चौकी में बुलाया, आयो आकर तुम्हारा फैसला करते हैं तुम्हारे से। हमारे को पुलिस चौकी में बुलाकर और पीछे हमारे ऑफिस पर गाड़ियों में तोड़फोड़, और एक आदमी को जान से मार दिया, एक आदमी के पैर में गोली लगी है। 150 कमांडो हरियाणा से बुला रखे हैं, अज्ञात लोग हैं, पता नहीं कौन है वो। पुलिस भी मानती है कि पिछले एक साल से माल भरने को लेकर ट्रक यूनियन और पतंजलि के विवाद चल रहा था। घटना के वक्त भी ट्रक रोकने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान इनका आपसी मारपीट हुई और भड़क गई, और उसके बीच में यहाँ पे बताया जा रहा है कि राम भरत नामक व्यक्ति है, ये इनके आने के बाद जो फूड फैक्ट्री का सिक्योरिटी है उसको लेकर इन ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों पे हमला किया गया, जिसके दौरान फायरिंग भी हुई और एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। चार घायल हैं जो अभी जीडी हॉस्पिटल हैं और अब तक की सूचना पे ये लोग खतरे के बाहर हैं। रामदेव के गार्ड की गुंडाई का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार पतंजलि में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार फायरिंग कर गार्ड्स ने बता दिया है कि उनके लिए पुलिस और कानून व्यवस्था के कोई मायने नहीं है। भारी विरोध के बाद पुलिस ने रामदेव के भाई राम भरत और करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल राम भरत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो रामदेव बाबा के हर्बल पार्क में एक शख्स की मौत हुई है,
यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो सुरक्षा कर्मी वहां पर लगाए गए थे उनको ये इजाजत किसने दे दी कि वो एक ट्रक यूनियन के सदस्य की हत्या कर दे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं संदीप, जो कि इस समय उन मृतक दलजीत सिंह के परिजनों के घर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिरकार क्या स्थिति है संदीप, और क्या मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से? देखिए, गमगीन माहौल है इस समय, और जो दलजीत के परिवार हैं आप देख सकते हैं पीछे काफी भीड़ लगी हुई है, तो वो परिवार अब उसको गंगा में विसर्जित करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आप खुद कह रही हैं कि जो विवाद चल रहा था ट्रक यूनियन और जो फूड पार्क था उसके प्रबंधन के बीच, आखिर क्या जरूरत थी ऐसी कि उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी? और जो आज मैंने बात की वहां पर जो स्थानीय, जो बाहर के स्थानीय लोग थे, वो कह रहे थे कि इतनी बुरी तरह दलजीत को मारा गया था कि उसको मार, जब उसकी मौत होगी उसके बाद भी उसको मारते रहे, तो कहीं ना कहीं इंसानियत की जो शर्मसार है वो हुई है इस घटना के बाद। और पूरा जो फूड पार्क है वो सवालों के घेरे में है, पूरा जो फूड प्रशासन है, फूड पार्क है, जो पतंजलि योगपीठ है, बाबा रामदेव को जवाब देना होगा, जो उनके सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण उनको जवाब देना होगा कि एक परिवार जिन्होंने अपना बेटा खोया, एक परिवार जिन्होंने अपना भाई खोया, दलजीत जो एक ट्रक यूनियन में जुड़े हुए थे, ट्रक के मालिक थे, उन 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 परिवार के कई सवालों का उनको जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण इस पूरे प्रकरण को घुमा रहे हैं पूरी तरीके से कि पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता थी, पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी, जवाबदेह उन्हें भी होना पड़ेगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे प्रकरण में। जब काफी दिनों से इस पर विवाद चल रहा था, क्योंकि बाबा रामदेव का जो हर्बल फूड पार्क है, आप हमारे साथ बने रहिएगा संदीप। हमारे साथ नेता बीजेपी भी जुड़े हुए हैं उमेश अग्रवाल, उनका हम रुख करेंगे। उमेश जी, यहाँ पीड़ित परिवार के बहुत से सवाल हैं जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं, कौन देगा उनको उनके सवालों का जवाब? देखिए अंजू जी, कुल मिलाकर ये मामला वास्तव में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और जिन परिस्थितियों में वहाँ झगड़ा हुआ, बलवा हुआ, मारपीट हुई और हत्या हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहाँ का पुलिस प्रशासन है। और पुलिस प्रशासन ने ऐसी परिस्थितियां क्यों आने दी कि वहां पर ये परिस्थितियां बने? आज जिन परिवारों का बच्चा गया है, जिन परिवारों का व्यक्ति गया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उस परिवार से संवेदना रखती है। हमारी संपूर्ण संवेदना उस परिवार के लिए है जो वहां पर जिनकी मौत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में सारा वातावरण बना है, और किन परिस्थितियों में माने रामदेव जी जो योग गुरु हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, उनके प्रति जिस प्रकार की भावना और उनके भाई को जिस प्रकार से एक कुचक्र जाल में फंसाने का प्रयास यहाँ की सरकार कर रही है, ये एक अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि एक व्यावसायिक झगड़ा था, और उस व्यावसायिक झगड़े में जो अंदर की जो एक यूनियन थी, और एक जो एक लोकल यूनियन थी, उन दोनों यूनियनों का ये एक झगड़ा था, और उसी उकसाने में जान चली गई दलजीत सिंह की। देखिए अंजू जी, ये बिल्कुल गलत बात है कि राम भरत वहां पर उकसा रहे थे। जिस प्रकार से पहले बालकिशन जी के खिलाफ यहाँ की राज्य सरकार ने कार्रवाई की थी, आज ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रामदेव के भाई राम भरत वहां सुरक्षा कर्मियों को उकसा रहे थे, उन्होंने ही सुरक्षा कर्मियों को बाहर बुलाया था। देखिए मैडम, ये अगर वो उकसा रहे थे तो वहां की लोकल पुलिस कहाँ थी, वहां के लोग कहाँ थे? इस प्रकार की परिस्थितियां आने का क्या कारण है? अगर इस प्रकार से अगर यहाँ की राज्य सरकार यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकती, अभी आपने कहा कि उनको मरने के बाद भी उनकी पिटाई करी गई, तो क्या परिस्थिति रही होगी वहां की पुलिस की और वहां के लॉ एंड ऑर्डर की? संदीप हमारे साथ मौजूद है मृतक दलजीत सिंह के गांव में, उनका हम रुख करते हैं। संदीप, क्या हो रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है यहाँ दलजीत सिंह का? जी बिल्कुल, दलजीत सिंह को अब यहाँ से हरिद्वार ले जाने की तैयारी की जा रही है, और गमगीन माहौल है पूरे परिवार में। जिस तरीके से जो बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं जो बातें कह रहे हैं, बिल्कुल भी वो तथ्यपूर्ण नहीं है। अगर विवाद था, अगर जो स्थानीय यूनियन है और जो जो फूड जो पतंजलि योगपीठ है उनके भी विवाद है, तो क्या विवाद ऐसा विवाद है कि किसी की जान ले ले, वो भी ऐसी जान की अभी भी वहां पर निशान पड़े हुए हैं? हमारे साथ दलजीत जो मृतक जल्दी जाए उनके आप
उनके भाई हैं, भतीजे हैं उनके। ये बताइए, मैंने खुद आज कई लोगों से बात करी, वो ये कह रहे हैं कि इतनी बेरहमी से दलजीत को मारा गया कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन के कि जिस तरीके से वो बता रहे थे। ऐसा है, उनको इतना बुरी तरह मारा, सिर में लाठियां मार मार के इतना बुरा हाल कर दिया था। तो मरने के बाद भी ऐसा लग रहा था क्योंकि मरी हालत में पड़े हुए, तो उसके बाद भी ऊपर लाठियां लगातार बरसाते गए हैं, फिर आए हैं एक दो मिनट बाद फिर उन्होंने बरसाइयां लाठियां, ऐसा काम किया उन्होंने, बुरा हाल कर दिया उनका, उनको मरने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा। अच्छा, आपकी बात हुई अपने चाचा से दलजीत जी से कि कुछ विवाद चल रहा था, जैसे कि पहले से जो पतंजलि फूड पार्क है और ट्रक यूनियन के बीच सामान की उठाने को लेकर कई दिनों से विवाद था? नहीं, ऐसी तो कोई बात, विवाद तो छोटा मोटा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जो इस यहाँ तक बात पहुँच जाए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव भी उस समय थे और राम भरत जिनको गिरफ्तार किया है उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी थे उनको उकसाया कि बिल्कुल राम भरत ऑन द स्पॉट वहीं पे मौजूद थे, वहां होने के बाद, वहां मौजूद होने के बाद ही झगड़ा शुरू हुआ है, उनके होते हुए शुरू हुआ और उनकी उनके सामने मेरे चाचा जी को मारा गया और उनके कहने पे हुआ है सब। तो अब आप लोग बातचीत हुई, यूनियन की तरफ से भी हम गए थे आज, वहां भी काफी वो लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी आप लोग का क्या, सरकार से क्या चाहते हैं, आपकी बाबा रामदेव पर भी कार्रवाई हो, हत्या के दोषी वही हैं? क्योंकि ऐसा है ना, मालिक तो वहां के वही हैं, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है, रामदेव हो गए, बालकृष्ण हो गए, बाकी तो छोटे मोटे गुंडे जो पाल रखे हैं वो तो उनके कहने पे कहेंगे ना, उनके कहने से बिना कुछ नहीं हो सकता है जी। दलजीत सिंह के जो भतीजे हैं वो बता रहे हैं कि पूरा वाक्य उन्होंने बताया कि किस तरीके से, और जो मांग उनकी सीधी एक ही है कि सीधे सीधे जो हत्या का मुकदमा है वो न सिर्फ राम भरत बल्कि उन पर भी चलना चाहिए जिनका वो संस्थान, यानी सीधे सीधे जो आचार्य बालकृष्ण हैं और बाबा रामदेव, क्योंकि बिना उनके संरक्षण के इतना बड़ा ये जो कांड उस दिन हुआ था कि ट्रक मालिक की हत्या हो गई थी और बेरहमी से, सबसे बड़ा जो इसके पीछे हम स्टूडियो का रुख करना चाहेंगे जहां हमारे साथ कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। यहां कांग्रेस नेता का पक्ष में लेना चाहूंगा जी, रिटायर्ड आईजी भी हमारे साथ हैं सीपाल सिंह जी। पाल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठता है और राज्य सरकार और बीजेपी जिस तरह से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक रूप ले लिया जाता है। ये बदकिस्मती है हमारे जी, जब भी कोई हादसा हो जाता है तो उसने को पॉलिटिकल इश्यू बना लिया जाता है, एक पुलिस के ऊपर बयान तो होना है, पुलिस की खराबी है, पुलिस की ठीक नहीं करी, ये तो कहना आम एक बात बन चुकी है। मैं ये समझता हूं कि फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि पुलिस ने उस वक्त एक्शन प्रॉपर शुरू में नहीं लिया, तो क्या एक्शन प्रॉपर ना होने से इस किस्म की मौत होनी चाहिए थी, इस किस्म का हादसा होना चाहिए था जी। जब रिकंसिलिएशन की एफर्ट हो रही थी, पुलिस में लोग गए हुए थे, एफर्ट जरूरी नहीं कि पुलिस इमीडिएटली पहुंच जाए, उस वक्त जो अटैक किया गया उस आदमी के ऊपर या यूनियन के ऊपर, वो अटैक जो है अपनी लिमिट से बाहर है, वो अटैक है सेल्फ डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में वही अटैक होता है जितना उनके ऊपर हो, अब मारने का नहीं हो सकता, अगर उनको बिल्कुल मारने का, इसलिए आप मार देंगे किसी को, तो इट इज बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस, बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उनको अबेटमेंट करना, उन आदमियों को पीछे लगाना, एजिटेट करना, उसके लिए राम भरत को ठीक तरह से पकड़ा गया। दूसरी बात, अब पुलिस की स्थिति, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इंपार्शियल होने से पहले ही एक बयानबाजी शुरू हो गई है, सबसे पहले बीजेपी साहब को एक बयान दिया है कि ये पुलिस यहां की है, इन्होंने किया, अरे पुलिस तो पुलिस है, चाहे वहां की है चाहे यहां की है, उन्होंने अपना उनके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, अपना इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। अब जो कांग्रेस वाले हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इसमें क्योंकि जनसंघ के ये साथी हैं रामदेव जी, तो इसलिए ये रामदेव को बचा रहे हैं। तो इस किस्म की पॉलिटिकल जब आपस में इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है, पुलिस के काम में बहुत खलल पड़ जाता है। पुलिस इंडिपेंडेंट अनइक्विवोकल ऑब्जेक्टिव काम करना चाहती है, उसके लिए उनको ऑब्जेक्टिव काम करना देना चाहिए, इसलिए इन पे ऊपर आप आईओ के ऊपर असर डाल रहे हैं, आप पुलिस की अधिकारियों के ऊपर असर डाल रहे हैं, तो ये तो मैं कहता हूँ ये सब हमारी, जब भी कोई हम पॉलिटिकल इश्यू ले आते हैं, यहाँ पे एक आदमी मर गया, एक इंडिविजुअल की, एक फैमिली का, आप उसकी तरफ देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक दूसरे उनकी तरफ देखिए, आप तो पुलिस के ऊपर है, पुलिस ने ये कर दिया ताकि केस किसी तरह रफा दफा हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस में ऑब्जेक्टिव तौर पर भी देखा जाए, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, तो भी बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस एक्शन हुआ है। दूसरा,
सेल्फ डिफेंस किन्होंने किया, किसके पास हथियार थे जी, वो क्या हथियार उनके मारने वाले थे जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया या दूसरे को प्रोटेक्ट करने में जी। सिंह साहब इसी का जवाब हम लेना चाहेंगे कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार जी से। सुरेंद्र जी आपने अभी सुना यहां पर रिटायर्ड आईजी को, उन्होंने यही कहा है कि यहां मुश्किल पुलिस के लिए खड़ी हो जाती है, पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आपके राज्य में आपकी सरकार है और पुलिस यहां खुले तौर पर काम नहीं कर पा रही, एक दबाव में काम कर रही है? मुझको तो नहीं लगता पुलिस पे किसी प्रकार का दबाव है, और सही बात यह है कि कानून को अपना काम करते देना चाहिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और मेरे अभी प्रिय अनुज तो सीधा सहज ऐसा लगा है कि सीधा जांच करके आए, और आजकल भाजपा नेताओं को जांच अधिकारी बनने का कुछ ज्यादा ही शौक आ गया है। हम लोगों को पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, पुलिस जांच कर रही है और जांच के जो भी नतीजे आएंगे, अगर कोई पक्ष संतुष्ट है तो ठीक है, जो संतुष्ट नहीं है उसके लिए भी न्यायिक द्वार खुले हैं, न्यायालय में जाके अपनी बात कह सकते हैं। पर लगता है कि भाजपा लोग स्वयं ही अपने आप ही मान बैठे हैं कि ये सारी घटना में कहीं ना कहीं वो पतंजलि पीठ के कोई लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए पहले से ही बचाव में उतर आए हैं। लेकिन सुरेंद्र जी यहाँ तो बीजेपी की तरफ से आप ही पर आरोप लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार साजिश कर रही है। अब मैंने कहा ना कि ये आरोप लगा कौन रहे हैं जी, इसमें आरोप लगाने की आवश्यकता है कहाँ? अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जांच कर रही है पुलिस, पुलिस को जांच करने दीजिए। अभी से आपने कयास लगा लिए हैं कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं समझता हूँ भाजपा के नेताओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपनी संवेदना जो है पीड़ित परिवार। लेकिन सुरेंद्र जी ये भी एक बड़ा पहलू है कि एक महीने से पूरा विवाद चलता आ रहा था ट्रक यूनियन और प्रबंधन के बीच, आखिरकार तब सरकार क्यों सो रही थी, सरकार क्या कर रही थी एक साल से? अब मेरे 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 प्रिय अनुज को पूरी जानकारी है कि एक साल से विवाद चल रहा था। अगर विवाद चल रहा था तो उसमें कानून अपना काम करेगा, आप काहे को परेशान हो रहे, थोड़ा धैर्य आप उस विवाद को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं हुई थी? एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, वो जांच को पूरा कर ले, उसके जो भी निर्णय आते हैं उस निर्णय का प्रतीक्षा की जानी चाहिए, और उस निर्णय तक मैं समझता हूँ थोड़ा धैर्य हमारे सब साथियों को बनाना चाहिए जी। सुरेंद्र जी आप कितना विश्वास दिला पाते हैं जनता को, साथ ही साथ पीड़ित परिजनों को, कि एक निष्पक्ष जांच होगी इस पूरे मामले में, किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी? हमें तो भरोसा करना चाहिए पुलिस की जांच पे, भरोसा करना चाहिए पुलिस ने, मैं समझता हूँ तुरंत इस पर कार्रवाई भी की है, और जिन लोगों पे भी शक पुलिस ने माना है उन्हें जांच के हित में जो भी कार्रवाई करनी थी पुलिस ने की है। अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, आपको भी हमको भी, कहीं ये ना हो मीडिया ट्रायल से इस घटना का कुछ और टर्न ले ले, जांच प्रभावित हो जाए, तो अभी थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है जी। फिलहाल बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क में हुई इस हिंसक झड़प पर कैबिनेट मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नीलम शुक्ला देवांगन ने। बाबा रामदेव की जो पतंजलि आश्रम है उसमें फिर से एक दुर्घटना घटी है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप? दुर्घटना से मौत हुई है या किसी साजिश के तहत हुई है या किसी ने किसी को मारा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है और सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को प्रमोट करते रहे हैं बाबा रामदेव, यही कारण है उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि इस तरह के घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल निराधार बात है। उत्तराखंड में तो कांग्रेस की सरकार है, करें इंक्वायरी, कौन रोकता है? और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का काम है, उसमें भारत सरकार कहाँ आ गई? तो मैं इन बातों से कुछ नहीं, कोई किसी का मददगार है तो इससे ये अंदाजा लगाना कि सरकार उसकी मदद कर रही है, मैं नहीं इस बात को मानता। ये अगर कोई कानून व्यवस्था में और कहीं कोई अपराध हुआ है तो राज्य सरकार उसकी जांच करे। तो साफ है अगर कानून व्यवस्था में इस तरह का कोई अपराध हुआ है और वो मामला सच में संगीन है तो राज्य सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सके, ये कहना है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। हमारे साथ लगातार सीपाल सिंह जी बने हुए हैं, रिटायर्ड आईजी हैं, उनसे हम उन पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पुलिस पर कितना दबाव होता है जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं।
पाल साहब, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है, जो गार्ड पार्क में मौजूद थे उनको ये अधिकार किसने दे दिया कि वो सेल्फ डिफेंस में सही सामने वाले शख्स की हत्या कर दे? मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पुलिस की ऑब्जेक्टिविटी पे इमीडिएटली शक नहीं कर लेना चाहिए कि ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इससे उनके दिमागी दबाव है। बिल्कुल ठीक अभी किया गया है, उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनको अंदर किया, ये तो पुलिस का मामला हुआ। सेकंड सवाल आपका है कि क्या गार्ड जो है सेल्फ डिफेंस में ऐसा ले सकती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सेल्फ डिफेंस उसी की होती है जिसको हथियार दिया गया है। तो सेल्फ डिफेंस बेसिकली उस आदमी की है जिसको हथियार किया है, वो सेल्फ डिफेंस में इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आजकल सेल्फ डिफेंस अपने कराने के लिए गार्डों को हायर किया जाता है तो उसमें उनके पास वेपन लाइसेंस्ड वेपन होते हैं। अब वो लाइसेंस वेपन का जो यूज है वो उन्होंने उतना ही करना है सेल्फ डिफेंस में जितने के उनको हत्या का बिल्कुल क्लियर वर्ड है कि अगर आपको इंजरी का है तो आप उतना ही उनके ऊपर सेल्फ डिफेंस का मतलब है नहीं कि वेपन ही चलाना। अगर उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया तो आप हाथ तक ही जा सकते हैं, अगर उन्होंने पथराव किया आप पथराव तक ही जा सकते हैं, ये नहीं कि उन्होंने पथराव किया आप गोलियां चला दें। तो ये बियॉन्ड सेल्फ डिफेंस है, ये सेल्फ डिफेंस की धारा है, उससे आगे जाके हुआ है। एक जिसने कमिट किया ऑफेंस एक तो वो हो गया, और जिसने अबेटमेंट किया है इसको सेल्फ डिफेंस के धारा को लेते हुए अबेटमेंट किया है, वो अबेटमेंट वाले में ये आए उनके भाई और उन्होंने क्या अबेटमेंट किया, अभी उसके ऊपर अंदर किया, पूरी जांच होगी। अभी तो वो गए कहां है, ये गॉन टू जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में भी नहीं रखा उन्होंने। तो यहाँ की पुलिस ने बड़ा अच्छी तरह किया, अगर दो चार दिन पुलिस कस्टडी में रहते लोग कहते जी इसको मार किया ये किया, उन्होंने सीधा सीधा उसको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया। जुडिशियल कस्टडी के बाद वो अपनी जांच कर रहे हैं। तो दो दो चीजों में मैं समझता हूं इस वक्त जो वहां की मैनेजमेंट थी, जो वहां की ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी गलती है, उनको इंतजार करना चाहिए। जब पुलिस कर रही थी हो सकता है मामला तूर पकड़ गया था, थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन इस किस्म का झगड़ा अगर हो भी रहा था तो पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए, ना कि अपने हाथ में लेकर एक सेल्फ डिफेंस का लेकर पॉइंट उसको ऊपर आप गोली चलाना जी। उमेश जी, आपने सुना सीपाल साहब को, उन्होंने यही कहा है कि वहां प्रबंधन की सबसे बड़ी गलती है, प्रबंधन को इंतजार करना चाहिए था पुलिस का, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब अगर ऐसे में रामदेव की गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी की साख पर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है? अंजू जी, मैं तो इतना जानना चाहता हूँ, मैं आईजी साहब से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब इनके घर में घुसकर अगर कोई आदमी इन पर हमला करेगा तो ये उसके प्रतिकार में क्या करेंगे? इनके घर के अंदर झगड़ा हो रहा है और जिन परिस्थितियों में झगड़ा हुआ है वो दो यूनियनों के बीच में झगड़ा था, और यहाँ तक गार्ड है, जी उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको हाथ से मारता है तो आप हाथ से मारिए, कोई मारपीट करता है तो मारपीट करिए, अगर कोई मारपीट कर रहा है तो आपको बंदूक चलाने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। सेल्फ डिफेंस की लिमिट है, सेल्फ डिफेंस अगर पढ़े भाई साहब, देखिए देखिए सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस में क्या परिस्थिति हुई है, आईजी साहब मौजूद नहीं थे, अगर आईजी साहब मौजूद होते तब ये बताते कि किस प्रकार का वहाँ झगड़ा हुआ है, जो बात वहाँ झगड़े की क्या परिस्थिति रही है वो वहाँ पर पुलिस की जांच में आएगा ना। ये तो दूसरा आईजी साहब की मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राज्य सरकार सिर्फ रामदेव जी को टारगेट कर रही है और रामदेव जी को गिरफ्तार करना चाहती है, उसके अलावा राज्य सरकार का और कोई टारगेट नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सीसीटीवी फुटेज मिली है पुलिस को, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि रामदेव के भाई वहां अपने सुरक्षा कर्मियों को उकसा रहे थे, वो ही उन्हें बाहर लेकर आए थे और उन्हीं के कहने पर दलजीत सिंह को पीटा गया, डंडों से गोली मारी गई उन्हें। दूसरा बात है पुलिस की अंजू जी, अगर वहां पर सीसीटीवी है तो हम तो ये कहते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, नियम जो न्यायिक प्रक्रिया उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप अगर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से चलते हुए कार्रवाई करेंगे तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार रामदेव जी के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और बदले की कार्रवाई से कार्रवाई कर रही है और उनके भाई राम भगत को गलत फंसा रही है, हमारा ये आरोप है राज्य सरकार पर। जी उमेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे संवाददाता संदीप दलजीत सिंह के गांव में मौजूद हैं, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, गमगीन माहौल वहां पर बना हुआ है। संदीप, आप परिजनों से आपने बात की थी, उन्होंने यही कहा है कि वो लगातार रामदेव बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या वो इसको लेकर सीएम से भी मुलाकात करने का मन बना चुके हैं?
देखिए निश्चित तौर पर यह मामला अब आगे बढ़ेगा और बहुत आगे तक जाएगा। जाट महासभा भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है और पूरा समर्थन उन्होंने दलजीत के परिवार को दिया है। दलजीत के दो बेटे हैं, एक करीब 14-15 साल का और एक 10 साल का। आखिर उन मासूमों के सर से अपने पिता का साया उठ गया। बीजेपी की तरफ से उमेश अग्रवाल जी अभी बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी के नेताओं में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो दलजीत के घर पर आकर उनको सांत्वना दे? यही सवाल मेरा कांग्रेस के भी जो नेता हैं उनसे भी है, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, क्या मुख्यमंत्री या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या केवल ये यूनियन और एक पतंजलि? संदीप अब हमारे साथ बने रहिएगा, हम इसका जवाब भी लेते हैं। सुरेंद्र कुमार और उमेश अग्रवाल दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए उमेश जी, आखिरकार क्या संवेदनहीन हो चुकी है सरकार और विपक्ष दोनों ही कि कोई भी किसी भी सरकार का एक भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं गया? देखिए हमें सबको संवेदना है, जहां तक दलजीत के परिवार की बात है उसके बच्चों की बात है। तो ये भी सत्य है कि अभी जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है और जब तक जांच हो रही है मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने से बचना चाहिए, उससे जांच प्रभावित होती है। और मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरे प्रिय अनुज हैं अभी मौके से जांच करके तुरंत आए हैं। राम भरत को जो अरेस्ट किया गया है ये खुद ही चाहते हैं, खुद ही जान मारना चाहते हैं और सबकी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ बालकृष्ण की तरफ से आरोप लगाया गया है कि कई ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो कि फूड पार्क को बंद करवाना चाहते हैं। भी प्रकट करी है। अब देखिए अभी इसमें बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है, मुझको ये लगता है इस तरह के मुद्दों पर लास्ट के ऊपर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से एक हत्या तो वहां पर हुई है और उस हत्या की जांच हो रही है, जिन पर आरोप लगाए गए हैं, जिनको पुलिस ने सख्त में पकड़ा है वो जांच हो रही है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आए को जल्दी हमारे भाजपा के नेताओं को ये अभी से अपना फैसला सुना रहे हैं। जी जी, तो सुरेंद्र जी पीड़ित परिवार लगातार मुआवजे की मांग कर रहा है, दो बेटे हैं मृतक दलजीत के, सरकार ने क्या अभी किसी मुआवजे का ऐलान किया है? देखिए थोड़ा सा धैर्य आप भी रखिए, कितना रखने की आवश्यकता है। अभी संवेदना गमगीन परिवार है, अभी गमगीन परिवार है, उसके गम के बीच में अभी हमें थोड़ा सा सुरेंद्र जी कितना रखना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर अपनी संवेदना भी प्रकट करेगी और निश्चित रूप से उसके पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार भी हम सब लोग खड़े हैं। जी शायद सुरेंद्र जी आप इस पूरे मामले की जो गर्माहट है उसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ यूनियन और एक प्रबंधन के बीच नहीं रह गई है, यहाँ पर सीधे तौर पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। अब इसे कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई तो शायद आप बनाना चाह रही है मेरी छोटी हम बहन। नहीं बना रहे, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है अभी नहीं। मुझको लगता है कि आप इस आपकी रुचि इसको कांग्रेस में ठीक है, आप मुझे बताइए अगर ये सिर्फ एक प्रबंधन और एक कंपनी का मामला होता परिवार के साथ है, हम उस पीड़ित परिवार के साथ है और अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच से पहले कोई नतीजा निकालना कोई निर्णय सुनाना उचित नहीं है। पाल साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से हाईकोर्ट के भी आदेश दिए थे आए थे कि आश्रम हो या फिर कोई पब्लिक वेलफेयर कमेटी हो वहां की सुरक्षा के लिए अगर कोई हथियार रखता है तो उनको ये अधिकार कहीं नहीं दिया जाता कि वो उसका किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है, चाहे हाईकोर्ट आदेश दे चाहे सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आए। ये बदकिस्मती है कि जहां भी डेरे हैं जहां भी इन योग आश्रम है उनकी इतनी ज्यादा अफिलिएशन है, इतना ज्यादा उनकी अफिलिएशन है पॉलिटिकल और इतना उनका वोट बैंक है कि उनके ऊपर कोई असर करना चाहते ही नहीं है जी। कोई अब मैं आपको बताता हूँ पिछले दिनों में हाईकोर्ट के आर्डर को लेकर पंजाब गवर्नमेंट ने आर्डर दिए कि जाकर हर डेरे को चेक किया जाए, डेरे को चेक करने के बाद उन डेरे में देखा जाए कि हथियार हैं कितने हैं, लाइसेंस्ड हैं नॉन लाइसेंस्ड हैं, एक पूरा स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया जी। तो मैंने वहां बोल दिया कि मैंने कहा स्टैंडिंग ऑर्डर इशू तो हो गया, इंप्लीमेंटेशन स्टैंडिंग ऑर्डर की ये सिर्फ खाना पूर्ती होगी या एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन होगी, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसका उसको काम पे कंप्लायंस तो देना है, क्या ये खाना पूर्ति करेंगे कि एक्चुअल इंप्लीमेंट? ये क्या मतलब? मैं क्या ये मतलब है कि अगर आपने पहले ही बता दिया कि हम आपको सर्च करने आ रहे हैं तो वो इतने बेवकूफ तो नहीं डेरे वाले के उसको खाली नहीं कर देंगे जगह को? जी, जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ एक ढील जो ऊपर से होती है,
तो उसका असर जरूर हो जाता है नीचे वालों पे। हालांकि नहीं होना चाहिए, पुलिस को ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस की भी उस तरह से असर हो जाता है। लेकिन इस हालात के अंदर, आज की रेट के अंदर, तो मैं ये करता हूं कि इसमें कोई पुलिस का अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि पुलिस ने कोताही की है, कोई ऐसी बात नहीं। इससे पहले ही हमने कहना शुरू कर दिया है कि पुलिस जांच उसमें कर रही है, उसके खिलाफ कर रही है, ये कर रही है। तो इस वक्त ये कहना बहुत ही बदमजगी पैदा पड़ता है। एक कत्ल का केस है, पुलिस को ऑब्जेक्टिवली असेस तो करने दो, उनको पता तो करने दो क्या है, कितना का इसमें उल्लंघन हो गया सेल्फ डिफेंस में, कितना उसने गलतियां की हैं, कितना उसके ऊपर जाना चाहिए था, उनको भी जांच होने ही लगी। तो पहले ही आपने कहना चाहिए हमें पता चला है खुफिया तौर पर पुलिस इसको ये कर रही है, उसको करना है, इसको क्रिटिसाइजेशन कर देते हैं। जो भी हमारा काम होता है, चाहे कहीं पे कहीं आपका टेररिस्ट अटैक हो जाए, वहां प्रोटेसाइजेशन हो जाएगी, ये अटैक हुआ है प्रोटेस। हम जो ह्यूमन वैल्यूज है उनको छोड़कर पॉलिटिकल वैल्यूज को लेना शुरू कर देते हैं। जी, उमेश अग्रवाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, बाबा रामदेव कहते हैं मैं एक बाबा हूं और मुझे बाबा ही रहने दो, क्या बाबा को ऐसा शोभा देते हैं? वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद यही कहते हैं कि सब कुछ बाबा रामदेव के इशारे पर हुआ है। देखिए, बिल्कुल गलत तरीके की बात है, और बाबा के ऊपर इस प्रकार के आरोप पहले भी लगे हैं और बाबा उनसे निष्पक्ष रूप से बाहर निकले हैं। बाबा को सिर्फ इसलिए लपेटा जाता है, आज हरिद्वार की सारी इकोनॉमी बाबा के माध्यम से, वहां के लोगों को रोजगार मिला है, लगातार उनके लंगर चलता है। यही तो सवाल है कि हर बार विवाद, हर बार विवाद, और अगर कांग्रेस के लोगों में प्रतिकार है, देखिए उनके विवाद में कहां अगर सरकार के अंदर दम है और वो वास्तव में दोषी हैं तो उनको जेल में डालना चाहिए था। अगर कोई भी विवाद अभी तक उनका कोर्ट से साबित नहीं हुआ है, ना ही सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई है, ऐसी स्थिति में सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगाना, उनके कारोबार को बंद करना, उनको योग गुरु को इस प्रकार से विवादित करना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा लगता है कि जैसे हरीश रावत की सरकार इन बाबाओं के पीछे पड़ गई है, इन संतों को यहां से देखना चाहती है। कुछ इस प्रकार का वातावरण उत्तराखंड में बनता जा रहा है, और मैं समझता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिनको पूरा विश्व मानता है, विश्व पूजा करता है, जिनके योग के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है, जिनकी दवाइयों के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा है, आप अचानक एक एक मामले के अंदर जहाँ वास्तव में जिसकी आरोप लगा रही है, झगड़ा हुआ है, झगड़ा पुलिस की लापरवाही के कारण हुआ है। पता नहीं बाबाओं की रक्षा करते करते ही अपना धैर्य क्यों खो रहे हैं मेरे प्रिय। हमने तो कभी नहीं कहा इस बात को, हम तो कह रहे हैं पुलिस जांच कर रही है, एक हत्या वहां पर हुई है, जांच के नतीजे आने दीजिए। आप पहले ही बाबा का नाम ले रहे हैं कि बाबा के पीछे पड़े हैं, बाबा के आगे पड़े हैं जी। घटना की सच्चाई तो आने दीजिए, काहे को धैर्य खो रहे हैं? और आपको जांच पर अगर भरोसा नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बड़ी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हमारी पूरी संवेदना है मृत परिवार के साथ। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ संदीप हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, मृतक दलजीत सिंह के परिजन उनके साथ मौजूद है। जी संदीप, क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ? बिल्कुल, हमारे साथ दलजीत के ताऊ जी उनके हमारे साथ हैं, भाई उनके हमारे साथ हैं। ये एक घटना नहीं थी बल्कि सीधे एक हत्या है जो हुआ, बहुत ही गमगीन माहौल अभी भी है। आपकी क्या अब डिमांड है, आप क्या चाहते हैं सरकार से, पुलिस से, कि कौन दोषी है इसके पीछे? इसको मैं एक के लिए दोषी नहीं मानता हूं। एक पत्नी का, औरत का पति, बेटे का बाप, भाई का भाई, मां का बेटा, बहन का भाई छीना गया है। आप मेरे को ये बताइए, अगर इतने कत्ल माने जाते हैं उस कातिल को क्या सजा होनी चाहिए? आप ही बताइए मेरे को जरा। औरत का पति, मां का बेटा, भाई का भाई, बहन का भाई, बच्चे का बाप, अगर इतने आदमियों का छीना गया हक है, उस आदमी को किस बेइज्जती और कितनी सजा होनी चाहिए? आपको सरकार से उम्मीद है न्याय मिलेगा इस परिवार को जहां हम खड़े हैं आज? अभी तक जो भी सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, खासकर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हमारे को अभी हक मिल रहा है वो सही मिल रहा है। सरकार या जिला प्रशासन के कोई प्रतिनिधि अधिकारी यहां पहुंचे, किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान हुआ अभी तक, या पतंजलि की तरफ से, क्योंकि ट्रक यूनियन जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं उस पूरे, हालांकि विवाद चल रहा था,
तो क्या पतंजलि की तरफ से भी कुछ ऐलान हुआ मुआवजे का, क्योंकि मौत तो हुई है आपके भाई की? पतंजलि से अभी तक कोई हमारे को ऐसा मुआवजा या यूनियन की तरफ से ऐसा कोई हमारे को संदेश नहीं मिला है, ना हमने अपने कानों से सुना है ना आंखों से देखा है। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता टॉम का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। और उनकी पतंजलि एक बार फिर से विवादों में है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता टॉम वडकन है। वडकन जी, जिस तरह से हत्या का मामला इस बार देखने में आया है पतंजलि आश्रम में, क्या कहेंगे आप? देखिए, रामदेव जी ने एनडीए सरकार के कैंपेन लीडरशिप में थे, उनके कुछ मांग थे, वो चाहते थे कि ब्लैक मनी वापस आए, वो चाहते थे कि सिक्योरिटी मिले उनको, वो चाहते थे कुछ अवार्ड्स भी मांग किए थे। अब पहले तो आपने ब्लैक मनी वापस नहीं लाया, सिक्योरिटी दिया तो बड़ा हल्का, उन्होंने अपना ही एक फौज खड़ा कर रखा है सुना है। तीसरा, कुछ अवार्ड्स मांगे थे वो भी नहीं दिया। तो देखिए, वादे तो आप लोगों को कर सकते हैं, लोग 5 साल इंतजार करेंगे, स्वामी जी इंतजार नहीं कर सकते। तो इन हालातों में तो आप स्वामी जी के वादे जो है निभाइए। और मैं एक बात और कहने चाहता हूं कि जो भी वायलेंस उधर हुआ, इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। जो भी एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको बुक करना जरूरी है, वो स्वामी जी की तरफ हो या और पक्ष के हो, लेकिन इमीडिएट एक्शन वहां जरूरी है। पतंजलि में पहले भी विवाद हुए हैं और जब आप लोग की सरकार थी उस समय भी विवाद हुए थे, आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया ऐसा कि दोबारा इस तरह का कोई घटनाक्रम ना घटे? जब कभी कुछ वायलेंस के इंसिडेंट हैं और हमारा गवर्नमेंट हो सरकार, लॉ एंड ऑर्डर आपको याद होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट का है, हमारे गवर्नमेंट तो था नहीं यूपी में उस टाइम। तो जो भी एक्शन लेना था सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, वो हमने लिया है, बरकरार रहा है हमारे एक्शन। अभी भी मेरे ख्याल से कोर्ट में जा रहे होंगे रामदेव जी, लेकिन मेरा ये निवेदन है स्टेट गवर्नमेंट से कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए इस इश्यू पर। तो साफ है कि जो भी व्यक्ति इस तरह के किसी हत्या में या इस तरह के किसी क्रिमिनल ऑफेंस में शामिल हो, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, ये कहना है टॉम वडकन का। पाल साहब, ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह का माहौल बनाना चाहिए, लोगों को किस तरह से धैर्य से काम लेना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले माहौल यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक पुलिस को कार्रवाई आराम से करने दें और उसमें इंटरफेयर मत बिल्कुल ना करें। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी भी किसी ने बयान दिया कि संतों के पीछे पड़ गए हैं, ये वो, ये जो एटीट्यूड है ये छोड़ दीजिए कि हमने कई संतों को अभी देखा है। आपने देखा था कि रामपाल के संत के ऊपर क्या हुआ, कितने वेपन उसके अंदर से निकले। आपने बाबू आसाराम का देख लिया क्या उसने किया। आपने स्वामी नित्यानंद जी का देखा कर्नाटका में, वो वीडियो में सेक्स करते हुए देखे गए। आपने उसके बाद हमारे ये गुरमीत राम रहीम सिंह का केस देख लिया। अब ये तो हमारे संत हैं, अभी भी हम यही हैं, संतों को मत छेड़ो। संत ये काहे के संत हैं जो लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल नहीं कर रहे, वेपन अंदर रखे हुए हैं और ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, तो इनका छोड़ दीजिए। पाल साहब, आपको मैं रोकना चाहूंगी, वक्त हमें इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आप सभी का। हमारे साथ नेता कांग्रेस सुरेंद्र कुमार जुड़े, इसके अलावा उमेश अग्रवाल जी नेता बीजेपी, हमारे संवाददाता संदीप का भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी, साथ ही साथ सी पाल सिंह रिटायर्ड IG, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना मूल्यवान समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर एक और नए टॉपिक के साथ। सांसद मध्य सत्र में जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस सदन में बैठे आधे नेता डरपोक और भ्रष्टाचारी हैं। एक नेता गुस्से में बोला, या तो ये महोदय अपनी स्टेटमेंट वापस ले या इन्हें बचे हुए सत्र से बर्खास्त कर बाहर भेज दिया जाए। थोड़ी देर के लिए सदन में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, फिर वो सांसद बोला, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेते हुए कहता हूँ कि सदन में बैठे आधे नेता न तो डरपोक है और न ही भ्रष्टाचारी है। पत्नी नेता पति से बोलती है, आज तो तुम छा गए, तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया। नेता पति पत्नी से बोलता है, पर सारे सुनने वाले गधे थे। पत्नी, अच्छा, तभी तुम बार बार कह रहे थे मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे भाइयों।
My brother commands a warship. My husband commands close to a six-figure salary. My son commands a great view from his balcony. My brother. My husband. My son is a naval officer. He has an ocean of opportunities. Indian Navy, an ocean of opportunities. www.joinindiannavy.gov.in. Kent RO है, डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर. IMA से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है. केंट देता है सबसे शुद्ध पानी. लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है समारोह लोया एनक्लेव आवासीय योजना देवपुर पारा पंजीकरण 30 मई 2015 तक EWS G12 EWS S12 LIGS 19 MMIG BS 19 MIG BS 19 SMIG BS 19 पंजीकरण में जानकारी हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalakhnau.co.in पर संपर्क करें. जज्बों को पर लगा दो, शिद्दत को कलम बना दो, ख्वाबों को ख्वाहिशों को आवाज मिल रही है, हर पंख को यहाँ परवाज मिल रही है. ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून और भीमताल नैनीताल. केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने. केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल. लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करता है समारोह लोया एनक्लेव आवासीय योजना देवपुर पारा पंजीकरण 30 मई 2015 तक EWS G12 EWS S12 LIGS 19 MMIG BS 19 MIG BS 19 SMIG BS 19 पंजीकरण में जानकारी हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldalakhnau.co.in पर संपर्क करें. सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा. 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ. वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं. इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा. 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं. अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन. उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक. केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने. केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल. केंट आरओ है, डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर वन वाटर प्यूरिफायर. IMA से प्रमाणित केंट आरओ का पानी बॉइल्ड पानी से भी सेफ है. केंट देता है सबसे शुद्ध पानी. क्या आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कॉलेज देख रहे हैं? नहीं, आप IIPM के झांसे में तो नहीं आ रहे? IIPM और उसके मालिक अरिंदम चौधरी पर दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर की IPC की धारा 420 के तहत FIR. UGC ने दर्ज कराई FIR. UGC का कहना, IIPM ने किया बच्चों को गुमराह और डिग्री के नाम पर छात्रों को दिया धोखा. कोई यूनिवर्सिटी से नहीं एफिलिएशन, सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट, कोई मान्य डिग्री नहीं. छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़. शान और शौकत से रहने वाले अरिंदम चौधरी पर जल्द होगी पुलिस की कार्रवाई. डिग्री चाहिए तो ना जाएं IIPM. देखिए हमारा खास कार्यक्रम सांसद जी के सभी न्यूज चैनलों पर. IIPM पर FIR. दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने से मचा हड़कंप. तुर्की से आए कार्गो विमान में आया था रेडियो एक्टिव पदार्थ. परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे. पार्टी में पूछ नहीं होने पर बिहारी बाबू के चेहरे पर दिखी नाराजगी. कहा कुछ लोग नहीं चाहते पार्टी में मिले शॉटगन को तरजीह, लेकिन फिर भी बताया पार्टी का अनुशासित सिपाही. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर किया पलटवार. कहा राहुल देते हैं ऊंचे बयान, पूर्व PM मिलने का समय मांगे तो प्रधानमंत्री को देना होता है सम्मान. फूड पार्क मामले में आचार्य बालकृष्ण ने सारा ठीक स्थानीय पुलिस प्रशासन पर फोड़ा. कहा पुलिस की लापरवाही और षड्यंत्र के तहत घटना को दिया अंजाम. और 2008 में मां बाप को मौत के घाट उतारने वाली मेरठ की प्रियंका को उम्र कैद की सजा. सहेली अंजू को भी मिली उम्र कैद. नमस्कार.
नमस्कार, नेशनल खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। खबरों की तरफ रुख करेंगे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने की खबर मिली। आनंद फानंद में मौके पर एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया। बताया जा रहा है कि तुर्की से आई एक कार्गो फ्लाइट में रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का पता चला। एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि लीकेज का पता उस वक्त लगा जब कुछ लोगों ने आंखों में पानी आने की शिकायत की। फोर्टिस अस्पताल के लिए इस्तांबुल से रेडियो एक्टिव पदार्थ आया था और उनके मुताबिक हॉस्पिटल ने रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर कैंसर के इलाज के लिए मंगवाया था। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञ मौके पर पहुंच गए। फिलहाल हमारे पास इस बात की सूचना है कि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है उसका लीकेज रुक गया। मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका और सोनिया गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी वजह से अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के लोगों के दौरे हो रहे हैं, शायद अब जनता के दिन बदल जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कम से कम मेरी वजह से अमेठी को गांधी परिवार के ज्यादा दर्शन होंगे और मेरा वो वक्तव्य सही निकल रहा है। स्मृति ईरानी ने उस राहुल गांधी के उस बयान पर ही पलटवार किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अर्थव्यवस्था की क्लास ली। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ओछे बयान देते हैं। स्मृति के मुताबिक अगर पूर्व प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगते हैं तो सम्मान के तौर पर उन्हें समय दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी अगर ओछी टिप्पणी करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ तो उस पर बयान देने से क्या फायदा, जिसको इस बात की समझ नहीं है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अगर वर्तमान प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं तो डिसेंसी ये कहता है कि वो समय दिया जाए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि मनमोहन सिंह का सम्मान ना हो? मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर देश का ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या काम कर रहा है, गांव में पानी पहुंचाने को लेकर क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, कब तक देश के सभी गांव में पीने का साफ पानी लोगों को मिलेगा, इन सभी मुद्दों पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता नीलम ने। एक साल में आखिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या क्या काम किए हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, क्या क्या काम हुए आपके डिपार्टमेंट में? देखिए, इस देश में 68% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, गांव से जुड़े हुए हैं, और जब तक गांव का विकास का मतलब भी सिर्फ सड़क और गली पक्की करने से नहीं है बल्कि आर्थिक विकास, जिसकी कल्पना पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, उस पे हम बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। मोटे तौर पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, आपके पास पेयजल भी है, पेयजल की बात कर लेते हैं। महानगरों में बहुत बड़ी समस्या है पानी को लेकर, साथ ही गाँव में भी अब धीरे धीरे तालाब और कुएं हैं सूखते जा रहे हैं। किस तरह की योजनाएं हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को पानी मिल सके, साफ पानी मिल सके? वैसे सही बात कही आपने। मेरा अपना ये मानना है कि मानसून की बारिश को जितना हम अपनी जमीन में समा सकेंगे उतना ही भविष्य में हमारे को सुरक्षित रहने का एक मौका मिलेगा। हमारा एक बड़ा, बहुत बड़ा एक व्यापक प्रोग्राम है जिसके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गांव में पीने के पानी की व्यवस्था ऊपर के पानी से, सरफेस वाटर से 2022 तक इस देश को हमारा जो गांव है उनमें 90% घरों में, गांव में जो हैबिटेशन है उनमें हम 90% को पाइप्ड वाटर की सप्लाई देने में सक्षम होंगे और उसमें से 80% को हम घरों में जो टैप वाटर है, टूटी का पानी, वो देने में हमारा लक्ष्य है। दिल्ली में भी बड़ी व्यवस्था करने की बात है और यहाँ तक हरियाणा से पानी ले, और अब आगे ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गंगा से भी पानी यहाँ लेने का प्रावधान है, तो वो शहरी विकास मंत्रालय उसको देख रहा है। चलिए, इससे एक हटकर सवाल है मेरा। बाबा रामदेव की जो पतंजलि आश्रम है उसमें फिर से एक दुर्घटना घटी है और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप?
मैं तो इसके बारे में तथ्यों की तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अगर कोई दुर्घटना से मौत हुई है या किसी साजिश के तहत हुई है या किसी ने किसी को मारा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो साफ है अगर कानून व्यवस्था में इस तरह का कोई अपराध हुआ है और वो मामला सच में संगीन है तो राज्य सरकार के पास इतना अधिकार है कि वो उस पर कार्रवाई कर सके, ये कहना है चौधरी वीरेंद्र सिंह का। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और हैं, चल लौटेंगे। मैं तो भूल ही गया था। थोड़े थोड़े सिक्के डालने से देखो कितने पैसे हो गए। चलो जल्दी से चप्पल पहन लो, आज मेरे साथ दुकान पे चलना है। बच्चों का दिमाग गुल्लक की तरह होता है और पढ़ाई उसमें धन। बात तो सही है बाबूजी। तो रोज बच्चों को स्कूल भेजा करो, स्कूल में रोज पढ़ने से बच्चों का दिमाग चलेगा, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे।